जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम जनक माता। माता जी ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 70 साल की। आप ये बताइए कि आपके समय में रक्षाबंधन का पर्व किस तरीके से मनाया जाता था और आज के समय में, तब से लेकर इस बीच अंतराल में कितना अंतर आया रक्षाबंधन के पर्व में? पहले में का इतना परिवर्तन था कि पहले का है अटूट प्यार था। रक्षाबंधन मनाती तो बहुत क्या प्यार, बहन भाई के अंदर बहुत प्यार रहता था, माता पिता के अंदर बहुत प्यार रहता था। और जब रक्षाबंधन की जब राखी बांधी जाती थी तो पंडित राखी बांधने के लिए आता था, और उसको कहा दक्षिणा में कहा है उनको जो मन भावना होती वही देते थे, और उसके अंदर वो खुश होकर के लिए जाते थे, और खुश होकर के लिए जाते तो बड़े प्रेम से। और जब काय माताएं बहने हैं काय सब बैठ कर के झूला झूलती थी, और झूला झूल के उस पर काय मल्हारे गाती थी, और मल्हारे गा कर के नैया भाई उनको झूठा देते थे, और झूठा दे कर के नैया, और फिर धूमधाम से रक्षाबंधन को मनाया जाता था। तो पहले जमाने में क्या था कि जैसे कहा है जो घुआ बहे जाते थे तीजों के दिन हरियाली को घूमे बहे जाते थे, और उन घुओं को क्या है बेटियां हैं कहा है बहने हैं कहा है कानों में लगाती थी। अब तो वो रवाज खत्म हो गई बिल्कुल, पहले तो कानों में लगाई जाती उनको, कोई अठन्नी देता, कोई 1 रुपया देता, कोई 2 रुपये देता, तो वो भी बड़े प्रेम भाव से उनको इतना मान सम्मान लेती कि मेरे को क्या दे दिया है। और आज के जमाने तो कितना भी दे दो और कोई वैल्यू भी नहीं है। माता जी पहले के रक्षाबंधन और भाई बहन के प्रेम में और आज के भाई बहन के प्रेम में कितना अंतर आया, क्या समझती हैं आप? पहले के जमाने में जब बहन का है जब आती थी तो अपने घर से 1 महीने के लिए आती थी, तो घर में हमारी सास थी, ससुर थे, सब जिम्मेदारियों को अपना कर लेती थी, और करके नहीं फिर चाहे वो अपना आराम से बुलाते थे, जो नहीं अपनी जल्दबाजी सी नहीं थी। आज के जमाने में कहा है घर भाई जा रहा है लेवाने के लिए, तो मेरी फुर्सत भी नहीं है, और भैया मैं तो कहीं जा ही नहीं रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और भैया बहन दूध दे रही हैं, तो मुझे पे तो टाइम नहीं है, देखा जाएगा, आऊंगी तो उसी दिन रक्षा दिन आ जाऊंगी, और तो राखी बांध जाऊंगी, नहीं मैं डाक के द्वारा राखी भिजवा दूंगी, क्योंकि इतना प्यार आज के जमाने में आज प्यार है ही नहीं है। आप जब आती थी मायके में तो कितने देर पहले आया करती थी और क्या महसूस करती थी? मैं 1 महीने पहले आ जाती थी, 1 महीने पहले आ जाती, 1.5 महीने पहले आ जाती थी, क्योंकि पहले इतना वो नहीं था कि कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं थी, घर में मुखिया थे ना, सास है ससुर है, और आज सास ससुर को कोई पूछ ही भी नहीं रहा है ना, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले लिए ना सबरी, तो क्यों टाइम नहीं देना चाहते हैं। माता जी भाई बहन के बीच की जो दूरियां बढ़ी हैं इसको वापस पुनः वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे क्या किया जाए? बहन भाई के अंदर जो दूरियां थी अब वो दूरियां हमें कैसे अपने अंदर लानी है, हमें एक बहन भाई के अंदर एक विश्वास पात्र रखना पड़ेगा। विश्वास पात्रता का मतलब है कि दृष्टि व्रति कृति अपनी हमें कैसी बनानी है, सिविल लाइट बनानी है, पवित्र बनानी है। जब पवित्र बनेगी ना तो प्रेम का धागा हमारे अंदर खींचता चला जाएगा, जब खींचता चला जाएगा तो हमारा कहा है वहीं जा कर के नैया संबंध बहन भाई का अटूट प्यार बन जाता है। तो जैसे झूला झूलती थी तो सब मैंने मोहल्ले की जी सब आकर के उस झूल रहे, उसमें कहा है सब कोई जाति पाति भेदभाव नहीं था बिल्कुल, सब आकर के गीत मल्हार गाती थी, और गा करके नैया अपने घर में इतना प्यार था, कोई अटूट प्यार था, कोई भेदभाव नहीं था। और आज इतना भेदभाव हो गया है कि कोई एक दूसरे को चाहता भी नहीं है, क्योंकि अपने अपने घर के सबरे ही का है मेंबर मुखिया बन बैठे हैं ना।